इन्होंने जो बोला है, और यदि हम एज ए टीम काम करना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है इसका, जो हमने बड़े अरसे से हम कर रहे हैं और इट इज़ हैपनिंग और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वायबल सोल्यूशन है, वो क्या है? क्या वो रिजल्ट्स के साथ में आ रहा है, वो क्या है? उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जिसने आइडिया कंसीव किया है वही उसकी डिलीवरी देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई आइडिया देंगे और उसके ऊपर कोई और काम करेगा। और हमको मतलब जैसे हमने शुरुआत में क्या किया, जब हम टीम बिल्ड कर रहे थे, पहली ही मीटिंग की बात मैं बता रहा हूँ, हमने एक अम्बाला में एक शिविर किया था, वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं नया वो काफ़ी दिनों बाद सेंटर खुला था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके मुझे दिखा कि यहाँ पे बड़ी गंदगी है, तो मैं झाड़ू मारने लग गया। तो जैसे ही अब 6 बजे किसी की वेट करेंगे, हमारा काम शुरू होना है जल्दी, तो जो टीम के मेंबर्स ने जब देखा कि यार वो बोले कि यार डॉक्टर साहब हम मारते, मगर नहीं नहीं तुम अगर तुमको मारना है तो तुम वो वाली झाड़ू ले लो, तुम उधर से कर दो और फिर तुम उधर से कर दो। मेरे को 1 मिनट लगी है कहने में कि तुम उधर कर दो, तुम उधर कर दो, और वो 15 मिनट में पूरा कैंपस साफ हो गया, मैंने अपना झाड़ू छोड़ा नहीं। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि 3-4 दिन हमारा कैंपस में जब हम रहे अपनी पूरी ट्रेनिंग में, हमारे कैंपस में इतना सभी गंद नहीं आया, सभी के सभी उसके लिए ऑटोमेटिक तैयार हो गए। टॉयलेट साफ करनी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे ही लगे सब ने अपने अपने शुरुआत कर दिया पानी डालने का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक नियम बनाया कि आप कोई भी आदमी हमारी टीम में से पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वी आर द सॉल्यूशंस, हम समाधान का हिस्सा हैं सारे के सारे। तो जैसे ही कोई कमी देखेगा कि ये कमी दिख रही है, खड़ाक से खड़ा होकर के उसको सॉल्यूशन की तरफ काम शुरू कर देगा, या उस आदमी को ढूंढेगा जिसके पास उसका सॉल्यूशन है। बिजली का काम है, वो बिजली का एक्सपर्ट नहीं है तो बिजली वाले को ढूंढना काम उसका है जिसको प्रॉब्लम दिख रही है। हमको किसी को भी ये नहीं कहना है कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने भी, जैसे अभी अगर पुनीत ने एक आइडिया बनाया कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो उसने साथ के साथ पूरा इमेजिन कर लिया कि अगर हम ऐसा कर लेते तो इससे बढ़िया रिजल्ट आते। इमीडिएटली पुनीत को शुरू करना है, मतलब ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, हम सबके लिए कह रहा हूँ, जिसको भी ये लगता है कि ऐसा करना है वो चालू कर दो, और जो गैप रह जाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ फिल करनी बाकी है, बाकी सारे लग के उसको फिल कर देंगे। ये काम हम सबका है एज ए टीम, क्योंकि नहीं देख पाएगा कोई आदमी, मेरा मुंह अगर इधर है अभी, जो लोग इधर बैठे हुए हैं वो मेरे पीछे देख पाएंगे और जो इधर बैठे होंगे वो उधर देख पाएंगे, वो आपके पीछे का हिस्सा देख पाएंगे। तो जिसको जो दिख रहा है उस प्रॉब्लम को वही फटाक से कर दे, नहीं तो बता दे और वो चालू कर दे। मैं लगता हूँ इसके बाद फिर हमारा एक दूसरे से कंप्लेंट का जो टाइम है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। हम किसी को कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे, और जितना भी करेंगे हम सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ेंगे, चाहे हम रैंक के बढ़े चाहे हम चल कर बढ़े। एंड इट्स अ वेरी फ्रूटफुल आइडिया, मतलब इसको ये काम करता है, इट्स वर्किंग ऑलरेडी। तो इसमें कभी भी कितना ही बड़ा हम आयोजन करते हैं ना, कोई इरेगुलरिटी होती ही नहीं, मतलब क्योंकि सारे के सारे पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होते हैं एवरीबॉडी। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है भाई साहब, अगर आपको लगता है ना, मैं समझ गया आपकी बात, मैं पहले दिन से लेकर चलिए, हाँ ठीक है बताइए हाँ नहीं करता था, फिर उसमें दूसरा आदमी, फिर जैसा आदमी चलो कई बार छुपा रहा था, पर
वो एक्चुअली क्या है इसमें, मैं यहाँ पर भी ये थ्योरी एकदम परफेक्टली काम करती है भाई साहब कि जैसे क्या होता है, मंच जब आदमी कोई संभाल रहा होता है ना, उसके ऊपर एक 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 मॉरल प्रेशर नाम की भी एक चीज़ होती है बड़ी, और एक डेकोरम होता है जो उसको मेंटेन करना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपको यदि ये लगता है, जैसे मान लीजिए जैसे ये लगे कि संजीव ऐसे करना है और संजीव ऐसे नहीं कर रहा है, और इमीडिएटली आपको लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप संजीव को बुला करके उसको रिप्लेस करके खुद को खड़ा करके आप संभालें, क्योंकि नहीं मालूम है संजीव को कि जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो वैसे हो सकता है, मुझे भी नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से वो चीज़ें नहीं दिख रही जहाँ से आपको दिख रही हैं। आप जो इधर खड़े हैं, आपको जो चीज़ें दिख रही हैं और मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आप ये कभी सोच ही नहीं, ये सोचना ही गलत है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा या जैसा बोलेंगे वैसा कोई दूसरा करेगा, कर ही नहीं सकता। टीम के हिसाब से उस व्यक्ति का अपना एक माइंड सेट है, और अगर वो फ्री सोच रहा है जैसा आपने बोला वैसे केवल आपका गुलाम कर सकता है, आपका साथी नहीं कर सकता किसी का भी। हाँ, वो तय होती भी नहीं, नहीं चले सकते आप। जैसे ही यहां से चलेंगे, आपने तय किया था कि हमें वहां जाना है भिवानी, आपने तय कर लिया कि हम वहां पहुंचेंगे, अचानक से इतनी बाढ़ आ जाए और पानी आ जाए, मतलब वहां हमको अपना रास्ता चेंज करना पड़े, वो परिस्थिति है, बस इतना होता है। इसलिए तय करने वाली चीजें, इसलिए जो आदमी कर रहा होता है उसको वो चीजें जब दिखती हैं तो उसको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, हाँ उसको मालूम होता है, ये आपको मालूम है एक्सपर्ट। हाँ इस पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे होमवर्क हो करके और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए था, इसमें मैं आपके साथ सहमत हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और हाँ